वीडियो के अंदर ये देखा कि किस तरह से मोशन के दौरान हम लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सोर्स देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं और मैकेनिकल वर्क डन देखते हैं और फिर लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया कि कैसे मैकेनिकल वर्क डन की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं फोर्स या फिर टॉर्क तो हमने देखा मैकेनिकल वर्क डन को एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करते हैं और फिर वहां से फोर्स या टॉर्क की कैलकुलेशन होती है अब इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूंगा जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सबसे पहले वो सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे रोटेटिंग मशीन के अंदर टॉर्क प्रोडक्शन होता है किस टाइप के टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं और वो टॉर्क कैसे वर्क करेगा ये चीज हमें देखनी है ठीक है <coughs> तो देखो मैंने लास्ट में क्वेश्चन क्या दिया था मैंने बोला था एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो नीचे रखे आयरन पीस को एट्रैक्ट करके पिक करना चाह रहा है अब हमें बताना था इंडक्टेंस एनर्जी और फोर्स अब सबसे पहली चीज देखो ये जो करंट फ्लो कर रहा है कॉयल के अंदर यह किस तरह से फ्लो कर रहा है राइट right हैंड से अगर देखोगे आगे से नीचे जा रहा है और पीछे से ऊपर जा रहा है यानी फ्लक्स कैसे बनेगा राइट right में तो फ्लक्स ये हमारा राइट में बनना स्टार्ट हुआ और इस तरीके से अपना क्लोज लूप पूरा कर लेगा अब देखो फ्लक्स जो है वो सेम है पूरे सिस्टम के अंदर लेकिन उसके रास्ते में एयर गैप भी पड़ रहा है और आयरन भी लेकिन आयरन की परमीएबिलिटी इनफाइनाइट लिखी है अब हम क्या जानते हैं रिलक्टेंस क्या होगी आयरन की एल बाय म्यू है लेकिन म्यू आयरन जो है वो इन्फिनिटी है तो आयरन की रिलक्टेंस क्या हो जाएगी जीरो आयरन की रिलक्टेंस जीरो हो गई इसका मतलब क्या हुआ जब पूरे में फ्लक्स सेम है फ्लक्स सेम का मतलब क्या होता है इसको बोलते हैं सीरीज मैग्नेटिक सर्किट तो एक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का एग्जांपल है तो इसका मतलब है टोटल रिलक्टेंस क्या होगी आयरन और एयर का सम ठीक है सीरीज में तो ऐड होती है आयरन की रिलक्टेंस तो जीरो आ रही एयर में एयर में देखो दो बार फ्लक्स एयर से पास हो रहा है एक बार राइट से और एक बार लेफ्ट से तो यानी कि टोटल वो एयर को कितना गैप मिल रहा है उसे टू एक्स एयर की परमीबिलिटी म्यू नॉट और एरिया ए बात समझ आई टू एक्स क्यों लिया है क्योंकि एक बार x राइट right में और एक बार x लेफ्ट में इसकी जगह क्या कर सकते हो दो रिलक्टेंस भी मान सकते हो एक राइट हैंड साइड वाले एयर गैप की और एक लेफ्ट हैंड साइड वाले एयर गैप की यानी कि रिलकटेंस हमारी टोटल हो गई 2x एक्स बाय म्यू नॉट ए अब पहले पार्ट में पूछा गया था इंडक्टेंस ये होती है एन स्क्वायर बाय रिल्स ठीक है तो ये हुआ म्यू नॉट ए एन स्क्वायर बाय टू एक्स अब ये एरिया ए कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में बताओ एरिया दिया था वन सेंटीमीटर स्क्वायर थाउजेंड टर्न थे तो एन स्क्वायर हुआ टेन की पावर सिक्स और एक्स था पॉइंट फाइव एम एम तो फोर पाई इंटू टेन टू दावर माइनस टू तो थ्री पॉइंट वन फोर इंटू फोर कितना हो जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स आ गई इंडक्टेंस ठीक है अब दूसरा पूछा था एनर्जी स्टोर्ड तो वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर यानी कि म्यू नॉट ए एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाय फोर एक्स एनर्जी स्टोर्ड हो गई ना और इसी को डब्ल्यू एफ एल डी भी कहते हो और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ इंटू पॉइंट वन टू फाइव सिक्स इनटू करेंट का स्क्वायर करेंट वन एंपीयर बताया था ना तो जूल ठीक है ये आ गया अब देखो क्या होगा हमें लास्ट पार्ट में निकालना है फोर्स ये दोनों पार्ट तो सिंपल है मुझे जो आप लोगों को सिखाना है वो है कि फोर्स कैसे निकाला जाता है अब फोर्स के लिए मैंने बताया था एनर्जी का डेरिवेटिव ले लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड का तो थर्ड हमारा क्या होता है फोर्स इसमें हमने देखा था माइनस बाय डेल एक्स ठीक है इसका डेरिवेटिव लेना है डेरिवेटिव अगर लोगे नेगेटिव एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ये ध्यान रखना ऐसा मत कर देना कि एनर्जी तो पॉइंट जीरो सिक्स टू एट है इसका डेरिवेटिव जीरो वैल्यू का नहीं एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेना है अब वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक माइनस बाहर पहले से है तो माइनस माइनस प्लस फोर पाई इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन टेन टू पावर माइनस फोर एन स्क्वायर टेन की पावर सिक्स वन स्क्वायर फोर इंटू पॉइंट टू फाइव टेन टू दावर माइनस सिक्स तो ये तो हो गया वन ठीक है टेन की पावर ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा माइनस इलेवन प्लस सिक्स माइनस फाइव प्लस सिक्स टेन की पावर वन यानी फोर्टी फाइव तो वन ट्वेंटी फाइव पॉइंट ठीक है तो ये आ गया हमारे पास फोर्स ये क्लियर है तो हमने क्या किया है एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया है और फिर उसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू अब एक्स है क्या चीज देखो एक्स क्या है एयर गैप है हमेशा एयर गैप के रिस्पेक्ट में नहीं लेते लेना होता है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में लेकिन जब ये आयरन पीस ऊपर उठेगा तो चेंज क्या होगा एक्स इसीलिए हमने x के रिस्पेक्ट में ले लिया बिकॉज वेन एवर आयरन पीस इज डिस्प्लेस्ड एयर गैप विल रिड्यूस तो ये वाला भी पॉइंट लिख लेना डेरिवेटिव नीड्स टू बी टेकन डेरिवेटिव नीड्स टू बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग पार्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द moving part and in this case and in this case when the iron piece in this case when the iron piece moves upwards moves upwards air gap reduces air gap reduces इसीलिए हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह किसके रिस्पेक्ट में ले लिया हमने एयर गैप के रिस्पेक्ट में ले लिया ठीक है भाई मेरी बात यहां तक क्लियर है अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम जो मैंने बताया भी था हम बात करेंगे टॉर्क इन रोटेटिंग मशीन हमें यह देखना है कि जो रोटेटिंग मशीन होती हैं उनके अंदर किस तरीके से टॉर्क डेवलप होता है क्योंकि देखो अब इसके आगे जो टॉपिक आने वाला है अब हम सीधे रोटेटिंग मशीन के बारे में ही बात करेंगे आगे जितनी भी हमारी बातें होंगी दे विल ऑल बी रिगार्डिंग इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन एंड अबाउट रोटेटिंग मशीन तो रोटेटिंग मशीन के जनरल एनालिसिस के लिए हम उसके अंदर बनने वाले टॉर्क की बात कर रहे हैं अगर इसके अंदर बनने वाले टॉर्क की बात कर रहे हो तो इसमें देखो दो तरह के टॉर्क जनरली होते हैं पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इंटरैक्शन टॉर्क अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट में यहां रोटेटिंग मशीन के यूज करूंगा जो कि आगे चल के पढ़ने वाले हैं ठीक है बट छोटी छोटी बातों पे ना ध्यान देना ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज पहले से रोटेटिंग मशीन की पता हो तभी ये चीज समझ सकते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब देखो क्या होता है कोई भी रोटेटिंग मशीन होती है ना उसके अंदर दो पार्ट जरूर होते हैं एक पार्ट जो एक्चुअल में रोटेट करता है और एक पार्ट जो कि स्टेशनरी रहता है स्टेशनरी रहने वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टेटर और रोटेट करने वाले पार्ट को हम कहते हैं रोटर तो इसमें पहला पॉइंट ये लिख लो आर रोटेटिंग मशीन आर रोटेटिंग मशीन हैज टू पार्ट्स हैज टू पार्ट्स वन इज स्टेशनरी वन इज स्टेशनरी कॉल्ड स्टेटर वन इज स्टेशनरी कॉल्ड स्टेटर एंड अदर इज रोटेटिंग एंड अदर इज रोटेटिंग कॉल्ड रोटर इज़ रोटेटिंग कॉल्ड रोटर। अब देखो क्या हम लोग लेके चल रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं जो स्टेशनरी पार्ट है उसमें दो पोल्स हैं। देखो मैंने सर्कुलर मान लिया एक्चुअल में ना सिलेंड्रिकल होता है बट सिलेंडर की मैं तीसरी डायमेंशन दिखा नहीं रहा हूं तीसरी डायमेंशन पीछे की तरफ पड़ेगी ठीक है तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है अब जो मैं स्टेटर ले रहा हूं उसमें मैं पोल्स बना देता हूं इसे बोलते हैं सेलियंट पोल सेलियंट पोल का मतलब प्रोजेक्टेड पोल पोल बाहर निकले हुए हैं ठीक है सिलेंडर से बाहर की तरफ आ रहे हैं ना पोल और इसके बीच में एक सिलेंड्रिकल रोटर ये रोटर हो गया जो मैंने डॉटेड में दिखाया अब देखो मुझे यहां पोल्स क्रिएट करने हैं स्टेटर पे तो मैं क्या करता हूं यहां एक कॉयल वाउंड कर देता हूं ठीक है अब कॉइल में कैसे वाउंड कर रहा हूं कि इसमें करंट डॉट है इसमें क्रॉस इसमें डॉट है इसमें क्रॉस अब देखो करंट कैसे जा रहा है उधर से डॉट आ रहा है नीचे से क्रॉस तो करंट कैसे जाएगा तो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी बाहर इधर डॉट और नीचे क्रॉस तो आगे से करंट बाहर नीचे से अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस टाइप से जाएगी इधर से लेफ्ट से बाहर राइट right से अंदर तो जहां से बाहर जा रही है वो पोल कौन सा होता है नॉर्थ और जहां से एंटर करे वो साउथ लेकिन ये भी जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्लोज पाथ कंप्लीट करती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ फ्लो करती है तो देखो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ आ रही है मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ आ रही है तो ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड बन गई स्टेटर की स्टेटर माने जो है, जो स्टेशनरी पार्ट पार्ट है है आउटर मैंने वाइंडिंग लगा के दो पोल क्रिएट किए हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो जिस पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर दैट इज नॉर्थ और जिस पोल से वो एंटर करे दैट इज साउथ ठीक है तो इसमें लिख लेना कंसीडर द स्टेटर ऑफ अ रोटेटिंग मशीन कंसीडर स्टेटर ऑफ अ रोटेटिंग मशीन हैविंग टू पोल्स हैविंग टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ एंड साउथ तो ये वाली फील्ड किसकी है हमारी स्टेटर फील्ड अब देखो ऐसा मान लो कि रोटर में कोई एक कंडक्टर रखा है ये बीच वाला रोटर में अलग से ड्रॉ कर रहा हूं रोटर में मान लो कि कोई एक कंडक्टर रखा है सिर्फ एक कंडक्टर रोटर कैरिंग वन कंडक्टर ठीक है चाहे तो इसके अराउंड पोल्स भी दिखा देना अभी सिर्फ मैं रोटर की बात कर रहा हूं तो मैं ये मान रहा हूं कि स्टेटर की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ठीक है ऐसे ही रहने दो अब मान लो कि रोटर में यहां पे है डॉट ये है रोटर कंडक्टर अब अगर ये डॉट है रोटर के अंदर तो करंट बाहर की तरफ तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी एंटी क्लॉकवाइज तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड सारी एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी ठीक है इस टाइप से तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई अब देखो अपने पास अगर ओवरऑल देखा जाए तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई एक तो भाई स्टेटर की और एक रोटर की अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो क्या होगी दोनों का सम ठीक है तो इसमें लिखना कंसीडर द रोटर कंटेनिंग कंसीडर द रोटर कंटेनिंग ओनली वन कंडक्टर ओनली वन कंडक्टर उूज मैग्नेटिक फील्ड हुज मैग्नेटिक फील्ड इज शोन हूज मैग्नेटिक फील्ड इज शोन ठीक है तो दो मैग्नेटिक फील्ड है एक स्टेटर और एक रोटर तो ऐसा मानो कि सिस्टम के अंदर ना अब दो मैग्नेट है अब देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था एनर्जी कन्वर्जन में वहां एक ही कॉइल होती थी एक ही मैग्नेटिक फील्ड होती थी और वही क्या बनाती थी फोर्स अब मैं क्या कर रहा हूं दो मैग्नेट ले रहा हूं या दो मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं एक स्टेटर और एक रोटर की अब देखो आगे क्या होगा जब स्टेटर पे भी पोल्स हो और रोटर भी मैग्नेटिक फील्ड बना ले तब क्या होगा स्टेटर में मैंने करंट की मदद से पोल्स दिखाए थे ना डॉट क्रॉस करंट आ गया और भाई अपना रोटर भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है यहां पे तो तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा एड करना पड़ेगा अब देखो स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट से राइट right की तरफ है रोटर वाली ऊपर में तो लेफ्ट जा रही है और नीचे में राइट right. लेकिन स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किस तरफ है राइट right. तो जब रोटर और स्टेटर दोनों की राइट right होगी तो ऐड हो जाएगी और जहां एक की राइट right और एक की लेफ्ट होगी तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो इसमें लिखना stator and rotor field stator and rotor field are opposite to each other are opposite to each other at the top are opposite to each other at the top and parallel to each other at the bottom and parallel to each other at the bottom so effective magnetic field so effective magnetic field Increases at the bottom. Effective magnetic field increases at the bottom and decreases at the top. And decreases at the top. अब देखो increase कैसे दिखाना पड़ेगा कि magnetic field lines जो है ना वो pass आ जाएंगी इस type से. यहां मैं रोटर का कंडक्टर भी दिखा देता हूं दोबारे ड्रॉ करके नीचे की तरफ पास आ जाएंगी और ऊपर की तरफ ना दूर चली जाएंगी कम होने का मतलब है दूर चले जाना तो देखो नीचे वाली ज्यादा पास पास है और ऊपर वाली दूर दूर है इसका मतलब नीचे में लाइंस की क्लोजनेस बढ़ गई क्लोजनेस बढ़ने का मतलब होता है डेंसिटी बढ़ना क्लोजनेस इंक्रीजेस माने फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेस जैसे फेरो मैग्नेटिक मटीरियल में ही बताया था और यहां पे कम हो गई अब अगर देखो बात करनी है फोर्स की फोर्स किस पे रोटर पे किसकी वजह से स्टेटर की वजह से देखो स्टेटर पे अगर फोर्स निकाल भी लोगे रोटर के कारण तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्यों क्योंकि स्टेटर तो स्टेशनरी है कितना भी फोर्स लगा लो वो मूव नहीं करने वाला लेकिन हमें फोर्स निकालना पड़ेगा रोटर पे क्योंकि रोटर करेगा रोटेट अब देखो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स निकालने का तरीका क्या था मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था लॉरेंट फोर्स के बारे में जो कि था इंटीग्रल आई डीएल क्रॉस बी यही था हमने बोला था डीएल वेक्टर इज इन डायरेक्शन ऑफ आई यही बोला था अब देखो इसका आई आउटवर्ड्स है मैं क्या करता हूं मैं एक्स वाई जेड एक्सेस बना लेता हूं एक्स वाई जेड इसका जो करंट है वो आउटवर्ड्स है यानी जो डीएल वेक्टर बनेगा वो बनेगा डीएल एक्स कैप और स्टेटर से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड है यानी बी वेक्टर है बी ए वाई कैप अब हमें डीएल क्रॉस बी करना है डीएल क्रॉस बी माने ए एक्स क्रॉस ए वाई ए एक्स क्रॉस ए वाई किस तरफ होगा ए जेड आई क्रॉस जे होता है के यानी इस पे जो फोर्स लगेगा रोटर के कंडक्टर पे ये लगेगा ऊपर की तरफ ठीक है तो फोर्स इज टूवर्ड्स z जेड एक्सेस और अपवर्ड्स मेरी बात क्लियर हुई तो देखो रोटेटिंग मशीन में जनरली ऐसा ही होता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की बात की जाती है स्टेटर और रोटर और जो टॉर्क इनके इंटरेक्शन से बनता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क यानी ये जो कंडक्टर पे टॉर्क आया ना जिसको मैंने फोर्स की टर्म्स में दिखाया अपवर्ड्स ये कौन सा टॉर्क है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो इसमें लिखना द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज ज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टॉर्क ठीक है दोनों के इंटरेक्शन से बनेगा अब इसके बाद अगला केस मैं क्या करता हूं कि मैं रोटर पे कंडक्टर की जगह ना पूरी कॉयली ले, ले लेता हूं अभी तो सिर्फ एक कंडक्टर बताया तो उस कंडक्टर पे टॉर्क या फोर्स कैसे निकाला बाई मीन ऑफ लॉरेंट फोर्स लॉ अब मैं पूरी एक कॉइल ले रहा हूं देखो नॉर्थ पोल के लिए मैंने डॉट क्रॉस दिखा दिए साउथ के लिए भी डॉट क्रॉस शो कर दिए अब देखे अब मान लो यहां एक कॉयल ले लेता हूं कॉइल के अंदर हमेशा देखो दो कंडक्टर होंगे क्यों इसका मतलब ये है कि जब कभी कॉइल लोगे कॉइल माने सर्कुलर टर्न ना सर्कुलर टर्न है तो उसका आधा हिस्सा अगर करंट ले जाता है तो बाकी आधा हिस्सा करंट को वापस लाएगा तो देखो ये कॉइल कैसे बंधी हुई है ये कॉइल जो है ना इस टाइप से है इस टाइप से मैंने बाउंड कर रखी है तो मैं ये बोल रहा हूं बस इधर से करंट बाहर आ रहा है और इधर से अंदर जा रहा है ठीक है इसीलिए एक डॉट और एक क्रॉस अब इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी देखो इधर से करंट अंदर और लेफ्ट से करंट बाहर तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अपवर्ड्स इस टाइप से बनेगी ना तो ये है बी रोटर अब किसी भी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जाती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल और बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल ठीक है इस टाइप से मेरी बात क्लियर हुई ये मैंने रोटर की मैग्नेटिक फील्ड बनाई है और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है नॉर्थ से साउथ इस टाइप से तो हमेशा हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, वन ड्यू टू स्टेटर एंड अदर ड्यू टू रोटर अब इसका मतलब है जैसे स्टेटर पे नॉर्थ और साउथ पोल हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के कारण नॉर्थ और साउथ पोल किस पे बन गए हैं रोटर पे तो बेसिकली मेरे पास दो मैग्नेट्स बन चुके हैं एक स्टेटर का और एक रोटर का तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना पोल्स आर क्रिएटेड ऑन द रोटर poles are created on the rotor due to rotor magnetic field due to rotor magnetic field and rotor also behaves as a magnet and rotor also behaves as a magnet rotor bhi magnet ban jata hai. next point due to attraction and repulsion due to attraction and repulsion in the poles of stator and rotor in the poles of stator and rotor torque is produced torque is produced which is called as torque is produced which is called as electromagnetic or interaction torque electromagnetic or interaction torque अब देखो ये जो दो नॉर्थ नॉर्थ पोल हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे रिपेल की वजह से इसको दूर भेजेगा ऐसे ये वाला साउथ पोल इसको रिपेल करेगा तो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा तो, तो दैट इज योर डेवलप्ड टॉर्क मैंने डेवलप्ड टॉर्क बताया भी था ना इस चैप्टर के अंदर ही कि डेवलप्ड टॉर्क वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो वो यहां किस वजह से आ रहा है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द पोल्स ऑफ स्टेटर एंड रोटर ठीक है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर कोई तुमसे सिंपली पूछे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से क्या समझते हो जब दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करके टॉर्क बनाए तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क तो इसमें लिख लेना इन एनी रोटेटिंग मशीन इन एनी रोटेटिंग मशीन वन ऑफ द मैग्नेट्स वन ऑफ द मैग्नेट्स इज केप्ट फिक्स्ड वन ऑफ द मैग्नेट्स is kept fixed while the other magnet while the other magnet is free to move is free to move and when the fixed magnet and when the fixed magnet applies a force on applies a force on free magnet applies a force on free magnet द फ्री मैग्नेट रोटेट्स द फ्री मैग्नेट रोटेट्स जैसे यहां रोटर पे टॉर्क लगा तो रोटर घूमेगा रोटर को ही मैं फ्री मैग्नेट कह रहा हूं और स्टेटर को कह रहा हूं फिक्स मैग्नेट ठीक है अब देखो एक सिंपल सी इलेक्ट्रिकल मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है या एक काम करते हैं थोड़ा छोटा बना लेते हैं ये मान लो अपना स्टेटर वाला पार्ट हो गया स्टेटर में इस बार मैं सेलियंट पोल्स नहीं दिखा रहा स्टेटर को भी मैं सिलेंड्रिकल दिखा रहा हूं और इसके अंदर रखे रोटर को भी मैं सिलेंड्रिकल दिखा रहा हूं ठीक है ये वाला पार्ट है अपना रोटर और ये बाहर वाला पार्ट है जो कि है फिक्स फिक्स के लिए मैंने नीचे स्टैंड दिखा दिया ये है अपना स्टेटर अब स्टेटर पे भी मैं दो पोल्स दिखा देता हूं एक तो नॉर्थ पोल और एक अपना साउथ यानी स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बनेगा तो इसको हमने कह दिया स्टेटर फील्ड एक्सेस स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की एक्सेस ऐसी रोटर में भी साउथ नॉर्थ दिखा देता हूं रोटर के अंदर यानी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ जाएगी और बाहर जाएगी नॉर्थ से साउथ तो ये हो गया रोटर फील्ड एक्सेस इन दोनों एक्सेस के बीच में जो एंगल है दैट इज लैमडा ठीक है तो डा क्या है एंगल बिटवीन स्टेटर एंड द रोटर फील्ड एक्सेस अब लैमडा जो होता है दिस इज योर इलेक्ट्रिकल एंगल अब देखो क्या होता है जब मशीन में हम आगे बढ़ेंगे रोटेटिंग मशीन में जाएंगे तब हम दो तरह के एंगल डिफाइन करेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अब मैकेनिकल एंगल वो होते हैं जो एंगल एक्चुअल में तुम ऑब्जर्व कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल एंगल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में फेज की तरह अपीयर होते हैं जैसे मान लो मैंने वोल्टेज बोल दी 230 थर्टी साइन ओमेगा डिग्री इसमें जो 60 डिग्री है ना ये इलेक्ट्रिकल एंगल है जो वोल्टेज या करंट के अंदर आ रहा है और वहीं जब मैं कह दूं कि मान लो ये दो मार्कर्स हैं ब्लू और ब्लैक इनके बीच में कितना एंगल दिख रहा है 90 डिग्री तो ये है मकैनिकल एंगल तो जो एंगल फिजिकली ऑब्जर्वेबल दैट इज मकैनिकल एंगल एंड द एंगल इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इज योर इलेक्ट्रिकल एंगल मैग्नेटिक क्वांटिटीज में भी ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल अब देखो इसका डेरिवेशन बाद में चल के करेंगे बट ये ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल एंगल इज पी बाय टू मकैनिकल एंगल वेयर पी इज द नंबर ऑफ पोल्स ये आगे चल के मैं डेराइव भी कर दूंगा और और अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल क्या चीज है ठीक है अभी के लिए बस इतना याद रखो तो ये लैमडा जो है वो इलेक्ट्रिकल में चल रहा है अब देखो हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई एक तो ये स्टेटर वाली इसको मैंने एफ बोल दिया स्टेटर एम और एक ये रोटर वाली इसको मैंने बोल दिया एफ और दोनों के बीच का एंगल लेमडा अब हम क्या जानते हैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब एड होती है तभी तो टोटल तो मिलती है मैंने एड करके पैटर्न भी ड्रॉ किया था तो ये होता है एफ आर ये एफ एस से जो एंगल बनाए उसको बोल देते हैं डेल्टा एस और एफ आर से जो एंगल बनाए दैट इज डेल्टा आर ठीक है अब ये जो एफ एस और एफ आर है स्मॉल एफ आर इसको हम ये मानते हैं दीज आर साइनोसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस इन स्पेस का क्या मतलब है देखो यहां ये एयर गैप है ना स्टेटर रोटर के बीच में छोटा सा जी तो हम ये मान रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ फैली हुई है ऐसा मत सोचना कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी डायरेक्शन में बाकी किसी पॉइंट पे है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे प्रेजेंट है और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है साइनोसोइडली ठीक है जिसमें से मैक्सिमम किसके अलोंग है इस लाइन के अलोंग इस लाइन के अलोंग है ना अच्छा ऐसे सोच लो एक और तरीका बताता हूं यह है एफ एस अब मान लो मैं पूछूं भाई थीटा एंगल पे कितना होगा इसका कंपोनेंट तो तुम क्या बोल दोगे ऐसे तो बोल दोगे तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि किसी भी एंगल पे निकालोगे तो साइनोसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है ऐसा हम मान के चल रहे हैं तो एक पॉइंट लिख लेना कैप लेनाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस आर साइनोसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस हैविंग मैक्सिमम वैल्यू हैविंग मैक्सिमम वैल्यू एफ एस एंड एफ आर है स्टेटर वाले की वो स्टेटर एक्सिस के अलोंग है रोटर वाले की मैक्सिमम वैल्यू रोटर एक्सेस के अलोंग है ठीक है और दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं साइनसोइडली अब अगर इनके रिजल्टेंट निकाला जाए पैरले लॉ से तो क्या बोलोगे एफ रिजल्टेंट इज एफ एस स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर टू एफ एस एफ आर कॉस लैमडा ठीक है तो ये आ गया दोनों का रिजल्टेंट ठीक है अब इस फेजर सॉरी इस वेक्टर डायग्राम के अंदर और हम लोग क्या बात कर सकते हैं ठीक है और मैं रिलेशन बताता हूं अब देखो कैपिटल एफ आर का अगर वर्टिकल कंपोनेंट लेना है तो ये कितना होगा वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा एफ आर साइन लैमडा वर्टिकल कंपोनेंट तो स्मॉल एफ आर से भी आ सकता है स्मॉल एफ आर से कितना आएगा वर्टिकल कंपोनेंट एक सेकेंड साइन डेल्टा आर होगा साइन डेल्टा एस हां डेल्टा एस स्मॉल एफ आर से अगर निकालोगे स्मॉल एफ आर साइन लैमडा मेरी बात को समझो ये वाली लेंथ की मैं बात कर रहा हूं ये लेंथ ये जो लेंथ है ये एफ आर वाले वेक्टर से भी आ सकती है या कैपिटल एफ आर वाले से भी आ सकती है ऐसे ही अगली बात अगर करते हैं अगर मुझे यहां पे स्मॉल एफ एस को तोड़ना है स्मॉल एफ एस को या कैपिटल एफ आर को मुझे तोड़ना है स्मॉल एफ एस और उसके परपेंडिकुलर यानी मुझे दो डायरेक्शन में तोड़ना है एक तो एफ एस और एक इसके परपेंडिकुलर ये तो मैं तोड़ चुका ऑलरेडी और अगर एफ आर और एफ आर के परपेंडिकुलर तोड़े इस टाइप से यानी ये जो कैपिटल एफ आर है इसे मैं दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा हूं एक तो एफ आर के अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर तो क्या होगा बताओ कैपिटल एफ आर जो इस डायरेक्शन में होगा वो होगा एफ आर कॉस डेल्टा आर और परपेंडिकुलर होगा एफ आर साइन डेल्टा आर ठीक है एफ आर साइन डेल्टा आर आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो किसकी वजह से आएगा स्मॉल एफ आर का खुद का कंपोनेंट तो अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकता तो ये किसका हो सकता है ये हो सकता है तो सिर्फ इसका एफ एस का एफ एस साइन लैमडा तो देखो मेरे पास दो रिलेशन है एफ आर साइन डेल्टा एस इक्वल टू एफ आर साइन लेमडा एफ आर साइन डेल्टा आर एफ एस साइन लैमडा तो देखो मैंने पहले क्या किया कैपिटल एफ आर को एफ एस कह और एफ एस के परपेंडिकुलर तोड़ा उससे रिलेशन आया फिर ऐसे ही कैपिटल एफ आर को एफ आर के पैरेलल और एफ आर के परपेंडिकुलर तोड़ा तो दूसरा रिलेशन आया ये दो रिलेशन मेरे पास आ चुके हैं ठीक है थीके? अगला पॉइंट लिखना एज्यूम दैट एज्यूम दैट एयर गैप जी एज्यूम दैट एयर गैप जी इज मच स्मॉलर देन इज मच स्मॉलर दे रेडियस ऑफ मशीन इज मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ मशीन ठीक है स्टेटर या रोटर का जो भी रेडियस है उससे बहुत छोटा है ये जी अगला पॉइंट स्टेटर एंड रोटर हैव इनफाइनाइट परमिएबिलिटी स्टेटर एंड रोटर हैव इनफाइनाइट परमीएबिलिटी एंड वी इग्नोर एंड वी इग्नोर सेचुरेशन एंड वी इग्नोर सैचुरेशन तो सैचुरेशन नहीं लेना लीनियर मैग्नेटाइजेशन की बात चल रही है अगला टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एंड एंड एंटायर मैग्नेटिक फील्ड एंड एंटायर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल इज नॉर्मल यानी किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड देखोगे वो परपेंडिकुलर ही आएगी सरफेस के इस टाइप से बात समझ आ रही है परपेंडिकुलर है कोई भी टेंजेंशियल नहीं है किसी भी पॉइंट पे सारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है परपेंडिकुलर ठीक है यहां तक मेरी बात क्लियर है उम्मीद करता हूं ये वाला रिलेशन भी समझ आया होगा तो मैंने देखो फिर से रिपीट कर देता हूं यहां पे मैंने रिलेशन में क्या बोला था मैंने बोला था ये कैपिटल एफ आर को हॉरिजॉन्टल में तोड़ो और वर्टिकल में तोड़ो वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ स्मॉल एफ आर की वजह से आएगा एफ एस की वजह से नहीं आ सकता कोई भी हॉरिजॉन्टल वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो ही होना है ऐसे सोचो कि किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे लेते हो कॉस से और परपेंडिकुलर लेते हो साइन से तो अगर मैं कहूं एफ एस वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा तो जीरो होगा कॉस नाइनटी जीरो तो यानी एफ आर का जब वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हो तो वो स्मॉल एफ आर की वजह से आएगा एफ एस से नहीं ऐसे एफ आर को दो डायरेक्शन में तोड़ा एक तो स्मॉल एफ आर के अलोंग और एक एफ आर के परपेंडिकुलर स्मॉल एफ आर के अलोंग जो आ रहा है वो किसी भी वजह से आए बट स्मॉल एफ आर के जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो एफ आर की वजह से तो नहीं आ सकता वो सिर्फ किसकी वजह से आया एफ एस एफ एस को दो डायरेक्शन में तोड़ लिया एक तो एफ आर के अलोंग और एक एफ आर के परपेंडिकुलर एफआर के परपेंडिकुलर है एफ एस साइन ये रिलेशन आगे काम आएंगे ठीक है मेरी यहां तक बात क्लियर है तो मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूं अब देखो हमने ये बोला था ये जो एफ एस और एफ आर है ये पीक वैल्यूज है और बाकी पूरी स्पेस में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है साइनोसोइडल तो ये वैल्यू भी क्या हुई ये हुई पीक वैल्यू ऑफ एमएमएफ चारों तरफ साइनोसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो मैंने तुम्हें कॉम्पोनेंट लेके भी दिखाया है थीटा से बट उसकी पीक वैल्यू कितनी है एफ आर अब मैं लिख देता हूं फ्लक्स डेंसिटी तो देखो एम्पिय लॉ से हमें क्या पता होता है जो मैंने मैग्नेटिक सर्किट में कराया भी था इसका मतलब एच पी इंटू जी इज एफ आर तो एच पी इज एफ आर बाय जी एच पी क्या हुआ पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाला भी पॉइंट लिखो पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज एफ कैपिटल आर बाय जी ज एफ कैपिटल आर बाई जी एंड इट रिप्रेजेंट एंड इट रिप्रेजेंट म्यूचुअल फ्लक्स इट रिप्रेजेंट म्यूचुअल फ्लक्स बिकॉज लीकेज फ्लग डज नॉट प्रोड्यूस बिकॉज लीकेज फ्लक्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क तो सिर्फ म्यूचुअल फ्लक्स की बात करेंगे यहां तक की कहानी क्लियर है मैंने देखो बेसिक से बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या है जो दो मैग्नेट के इंटरक्शन से बनता है जब पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट किया रिपेल करते हैं उसके बाद मैंने ये माना कि मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है एक स्टेटर की और एक रोटर की और नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों के सम से आएगी अब वो मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में साइनोसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थी यानी किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से ही आएगी और वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल होगी टेंजेंशियल नहीं इतना क्लियर था फिर मैंने फेजर डायग्राम डायग्राम या वेक्टर से दो रिलेशन डेराइव किए अब आगे चलते हैं अपना एम है टॉर्क निकालने का कौन सा टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अब मैंने क्या बता रखा है कि टॉर्क या फिर फोर्स निकालने के लिए एनर्जी या को एनर्जी का यूज करते हो तो एनर्जी मुझे चाहिए एनर्जी निकालने से पहले मैं निकालता हूं देखो पीक एनर्जी डेंसिटी मैंने ये चीज भी बताई थी कि एनर्जी डेंसिटी कैसे आती है मैग्नेटिक फील्ड की यह होती है बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट एयर गैप की परमिबिलिटी लोगे ना या बी को अगर म्यू एच लिखते हो तो हाफ म्यू नॉट एच पी स्क्वायर पीक वैल्यू ये आ जाएगी तो म्यू नॉट एफ आर स्क्वायर बाय टू जी स्क्वायर एचपी की जगह मैंने एफ आर बाय जी रख दिया अब इसके बाद अगर मैं कहूं पीक एनर्जी चाहिए एनर्जी डेंसिटी की जगह मुझे क्या चाहिए एनर्जी एनर्जी अगर चाहिए तो एनर्जी डेंसिटी में मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम अब वॉल्यूम कितनी लोगे वॉल्यूम अगर ली जाए तो कैसे लिखी जाएगी बताओ भाई वॉल्यूम कैसे लिखोगे वॉल्यूम लिखने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय एयर गैप कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का टू पाई आर एल इन टू जी देखो कहने का मतलब यह है मेरे पास ना दो कोल सिलेंडर हैं जिनके बीच में बहुत छोटा सा एयर गैप है यानी दोनों के रेडियस ऑलमोस्ट क्या है बराबर है मुझे बीच की ये वॉल्यूम चाहिए तो देखो एक तो तरीका क्या होगा कि दोनों की वॉल्यूम्स का डिफरेंस ले लो पाई आर टू स्क्वायर एल पाई आर वन स्क्वायर एल यही तो करोगे यही तरीका बनना भी चाहिए एक सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाईआर स्क्वायर एच होती है ना एच की जगह एल लिख रहा हूं एल माने लेंथ ये मैंने बोला था ना तीसरी डायरेक्शन भी होती है जिसमें कि ये सिलेंडर दिखता है हम लोग दिखा सिर्फ क्या रहे थे क्रॉस सेक्शन तो पाई एल आर टू प्लस आर वन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर हो जाएगा ना आर टू माइनस आर वन इसको अप्रोक्सीमेटली टू आर कह दो अगर दोनों वैल्यूज बराबर है और आर टू माइनस आर वन है जी इसीलिए मैंने बोला था ये मान के चलो कि एयर गैप इज मच स्मॉलर देन रेडियस तो ये डिफरेंस बहुत छोटा था ऐसे हमने लिखा है टू पाई आर एल इन टू जी बात क्लियर हुई अगर दोनों रेडियस ऑलमोस्ट सेम है तो आर टू प्लस आर वन को लिख लेंगे टू आर ये क्लियर हुआ पीक एनर्जी अब ये पीक एनर्जी के बाद हमें क्या करना है पीक एनर्जी जब हमारे पास आ गई तो एक तरह से एनर्जी स्टोर्ड आ गई ना एनर्जी स्टोर्ड से टॉर्क तो निकल ही सकता है तो देखो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं टू से टू कट जाएगा ना म्यू नॉट पाई आर एल जी बाय जी स्क्वायर एफ आर स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर एल बाई जी एफ आर स्क्वायर यानी एफ एस स्क्वायर एफआर स्क्वायर टू एफ एस एफ आर साइन लेमडा ये बनेगा अब पीक एनर्जी आने के बाद ये हो गया अपने पास डब्ल्यू एफ एल डी तो मैं टॉर्क को क्या बोलूंगा डेल डब्ल्यू एफ एल डी बाय डेल लेमडा एम लेमडा एम का मतलब मैकेनिकल एंगल लेकिन यहां तो इलेक्ट्रिकल एंगल है इस डेरिवेटिव को क्या लिखोगे डेल लेमडा एन टू सॉरी कॉस था ना एन टू अब हमें क्या पता है कि लैम्डा कितना था मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिकल एंगल इज पी बाय टू टाइम्स मैकेनिकल एंगल तो डेल लैम्डा बाय डेल लैम्डा एम क्या हो गया p टू डेल डब्ल्यू एफ एल by del lambda ठीक है एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा टॉर्क और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से मिलता है फोर्स अब देखो इसका डेरिवेटिव लोगे अगर तो क्या होगा पी बाई टू म्यू नॉट पाई आर एल बाई जी एफ एस स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो एफ आर स्क्वायर का जीरो टू एफ एस एफ आर कॉस लैमडा तो माइनस टू एफ एस एफ आर साइन लैमडा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आ गया माइनस पी म्यू नॉट पाई आर एल बाई जी एफ एस एफ आर साइन ऑफ लैमडा ठीक है यही बन रहा है ना यही आ रहा है भाई म्यू नॉट एफ आर स्क्वायर बाय टू जी स्क्वायर यहां पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना एक तो टू से टू कट गया एक पी बाय टू था एक सेकंड देख लेते हैं अभी ना यहाँ पे ठीक है एक काम और करना पड़ेगा ये जो आई है हमारे पास पीक वैल्यू आ गई टॉर्क की अगर टॉर्क की एवरेज वैल्यू हमें लेनी है अभी हमने क्या निकाल लिया है पीक वैल्यू अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूं देखो क्या होगा एफ एस बी साइनोसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे मान लो कॉस्ट थीटा और आर भी साइनोसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे कॉस थीटा तो हम ये कह सकते हैं टॉर्क जो प्रोपोर्शनल आएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा क्या टॉर्क की जब एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है इसलिए एक टू का फैक्टर आ जाएगा अब ये क्या फंडा है भाई कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है ऐसे सोचो साइन थीटा की आरएमएस वैल्यू क्या होती है वन बाय रूट टू साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज इसी हिसाब से होगा हाफ आरएमएस क्या होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर तो मैं तो मीन ऑफ स्क्वायर पूछ रहा हूं ना एवरेज ऑफ स्क्वायर तो क्या होगा आरएमएस का स्क्वायर ऐसे सोचो आरएमएस है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर तो मीन ऑफ स्क्वायर क्या है रूट हटा दिया यानी कि स्क्वायर कर दिया तो हाफ ठीक है तो ये वैल्यू आ गई इसी के और फॉर्मूले क्या हो सकते हैं अब आगे देखें इसी के और फॉर्मूले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर एफ एस साइन लेमडा एफ एस साइन लेमडा नीचे वाले रिलेशन से रिप्लेस कर दो एफ एस साइन लेमडा रिप्लेस कर दें तो एफ आर एफ एस साइन ले की जगह क्या लिख दोगे एफ कैपिटल आर साइन डेल्टा आर ठीक है ऐसे ही अगर एफ आर साइन लेमडा रिप्लेस कर देफ आर साइन लेमडा अगर रिप्लेस कर दो फर्स्ट रिलेशन से तो एफ एस एफ आर साइन डेल्टा एस अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल किस किस तरह से होता है एफ एस एफ आर साइन लेमडा एफ आर एफ कैपिटल आर साइन डेल्टा आर एफ एस एफ आर साइन डेल्टा एस यानी कोई भी दो एन एम एफ उठा लो और मल्टीप्लाई कर दो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम जाए तो स्टेटर रोटर रोटर और रिजल्टेंट स्टेटर और रिजल्टेंट कोई भी दो एम और उनके बीच का एंगल अगर जानते हो तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क तो इसमें लिखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू इज प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू एम प्रोडक्ट ऑफ द टू एम एफ एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन them, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन them. तो ये जो लैमडा होता है ना इसको टॉर्क एंगल कह देते हैं क्योंकि टॉर्क इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है ना साइन लेमडा के मेरी बात यहां तक क्लियर है अब अगर मान लो इफ लैमडा वेरीज विद टाइम यानी दोनों के बीच का एंगल फेक्स नहीं है यह समय के साथ बदल रहा है तो टॉर्क क्या होगा एफ एस एफ आर साइन ओमेगा टी और टॉर्क का एवरेज क्या हो जाएगा जीरो यानी कि अगर टॉर्क तुम बनाना चाहते हो तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होना चाहिए कांस्टेंट एंगल कांस्टेंट कब होगा जब एक मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ना मूव करे अगर मैं कह रहा हूं तुम्हारे मेरे बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है इसका मतलब या तो हम दोनों स्टेशनरी या चलें, तो दोनों सेम स्पीड पे चलें, तभी हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा सेम वे में रोटेशनल मोशन में क्या कहोगे या तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी हो या घूमे तो साथ घूमे ताकि इनके बीच का जो सेपरेशन है जब देखो ये दो हाथ है मेरे इनके बीच का सेपरेशन कॉन्स्टेंट रखना है तो सारे दोनों साथ में जाने चाहिए साथ में जाने चाहिए ना एकदम तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि या तो दोनों रुके रहे या घूमे तो एकदम एक साथ घूमे तभी टॉर्क बन सकता है क्योंकि अगर दोनों के बीच का एंगल टाइम के साथ बदला तो एवरेज टॉर्क वुड बी जीरो तो ये वाला पॉइंट लिख लेना फॉर टॉर्क प्रोडक्शन इन इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर टॉर्क प्रोडक्शन इन इलेक्ट्रिकल मशीन Both MMF, both MMF or magnetic field, both MMF or magnetic field must have constant separation, must have constant separation or, or they should not move or they should not move relative to each other. They should not move relative to each other. फंडा समझ आया टॉर्क के लिए कोई दो एम एम एफ ले लो स्टेटर रोटर स्टेटर रिजल्ट और और तो होती है इसको छोड़ भी सकते हो ठीक है तो जो एनर्जी कन्वर्जन वाला प्रिंसिपल है उसी से हमने टॉर्क डिराइव कर लिया ना और यह ध्यान रखना आगे जो है ना रिलेशन बहुत ज्यादा काम आने वाला है हम लोगों के अगर मैं तुमसे कहूं भाई टॉर्क मैक्सिमम कब होगा मैं कहूंगा जब एफ एस और एफ स्मॉल आर इनके बीच का एंगल हो जाए 90 क्योंकि तो साइन 90 होता है वन तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत सारे बन सकते हैं बात मेरी क्लियर हुई अब देखो इसके अंदर दो पॉइंट हुए याद रखने वाले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कौन सा टॉर्क है जो दो मैग्नेट के अट्रैक्शन और रिपल्शन से बने और ये कितना होता है दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इतना अगर हमें पता है तो हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं तो नेक्स्ट टॉर्क जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज योर सेकंड इज रिलक्टेंस टॉर्क ठीक है पहला टॉर्क हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंटरेक्शन टॉर्क दूसरा होता है रिलक्टेंस टॉर्क अब देखो रिलक्टेंस टॉर्क तब बनता है जब स्टेटर और रोटर के बीच में जो रिलक्टेंस आ रही है वो कॉन्स्टेंट ना हो वो यूनिफॉर्म ना हो और रिलक्टेंस किस पे डिपेंड करता है एयर गैप पे तो मैं ये कह देता हूं जब स्टेटर रोटर के बीच का एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं होता देन रिलक्टेंस टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड तो इसमें लिखना रिलक्टेंस टॉर्क इज ओनली प्रोड्यूस्ड रिलक्टेंस टॉर्क इज ओनली प्रोड्यूस्ड इफ द एयर गैप और रिलक्टेंस एयर गैप और रिलक्टेंस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज नॉट यूनिफॉर्म इज नॉट यूनिफॉर्म तो देखो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि मैं एक पहले मैग्नेट बना लेता हूं ठीक है इस टाइप का हमने एक मैग्नेट ले लिया जिसके अंदर की दो पोल्स हैं हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल अब मान लो ऐसे एक रोटर है ठीक है तो अब देखो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो एयर गैप है ना वो डिपेंड करता है रोटर की पोजीशनिंग पे अब क्या होगा जब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जाएगी तुम्हारी साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर ये जाएगी नॉर्थ से साउथ ठीक है लेकिन आयरन से पास होने की कोशिश करेगी अब जैसे ये आयरन से पास होती है तो आयरन में बने हुए डाइपोल्स पैरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटीरियल है ना तो मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे अलाइन हो जाएंगे अब देखो अगर अंदर के पोल्स कैंसिल कर लो और सिर्फ बाहर बाहर के पोल्स देखो तो इधर बन गया साउथ और इधर बन गया नॉर्थ ये साउथ को नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा ये नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा तो रोटर घूमेगा और रोटर घूम के क्या कोशिश करेगा पोल्स के अलोंग अलाइन होने की ठीक है और ऐसा क्यों करेगा कि जब रोटर पोल्स के अलोंग आ गया फ्लक्स का जो रास्ता है वो छोटा हो जाएगा फ्लक्स का रास्ता अगर छोटा हो गया देन फ्लक्स गेट्स अ पाथ ऑफ मिनिमम रिलक्टेंस इसीलिए भी इसको रिलक्टेंस टॉर्क कहते हैं क्योंकि फ्लक्स हमेशा कोशिश करता है मिनिमम रिलक्टेंस का रास्ता अचीव करने की और उस रास्ते को ढूंढने के लिए वो क्या करता है कि रोटर को स्टेटर के अलोंग अलाइन करता है रोटर अगर स्टेटर के अलोंग आ गया तो फ्लक्स को मिनिमम रिलक्टेंस का पाथ मिल जाएगा ठीक है और उसी के लिए वो क्या अप्लाई करता है टॉर्क यानी अगर रोटर स्टेटर के अलोंग आ जाए तो रिलक्टेंस टॉर्क बनेगा क्या नहीं बनेगा अगर अलाइनमेंट मिल गया तो बनेगा ही नहीं अलाइनमेंट जब तक नहीं मिलता तब तक टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो ये वाला पॉइंट लिखना the flux tries to achieve a path the flux tries to achieve a path of minimum reluctance of minimum reluctance and and in order to and in order to achieve minimum reluctance in order to achieve minimum reluctance it tries to align it tries to align रोटर अलोंग स्टेट ट्राइज टू अलाइन रोटर अलॉन्ग स्टेट एंड इफ एंड इफ रोटर गेट्स अलाइंड रोटर गेट्स अलाइंट अलोंग स्टेटर अलॉन्ग स्टेट जीरो रिलकटेंस टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड जीरो रिलकटेंस टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ठीक है अगर अलाइन हो गए तो टॉर्क तो हो जाएगा जीरो बट अलाइनमेंट क्यों चाह रहा है ताकि रिलक्टेंस को मिनिमाइज कर पाए तो देखो दो तरह के टॉर्क हमने देखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंटरेक्शन टॉर्क और दूसरा था हमारा रिलक्टेंस टॉर्क इसमें ज्यादा कॉमन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जिसमें हमने देखा फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया पी बाय टू माइनस साइन जो था ना वो बस ये बताता है कि एंगल कम करने की कोशिश की जा रही है इसमें जो ये वाला पार्ट है ना ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने ये भी बताया कि एफ एस एफ आर साइन डेल्टा एस के भी वैल्यू के प्रोपोर्शनल आता है या एफ आर एफ कैपिटल आर साइन डेल्टा आर तो दो है स्टेटर और रोटर के एम एम एफ और एक है रिजल्टेंट तो तीन में से कोई भी दो एम एम एफ उठाओ उनका प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल का साइन इससे क्या मिल जाता है इंट्रैक्शन टॉर्क और हमने क्या बोला कि दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए तभी टॉर्क नॉन जीरो आता है और दूसरा सिंपली रिलक्टेंस टॉर्क फ्लक्स को मिनिमम रिलक्टेंस चाहिए उस रास्ते को पाने के लिए जब ये रोटर को घुमाए तो उसे बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क ठीक है तो ये आगे के जो चैप्टर्स आएंगे ना रोटेटिंग मशीन के वहां ये सभी टॉर्क हम लोग बार बार देखेंगे और ज्यादातर हम लोग ये वाला टॉर्क रेफर करने वाले हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जनरल वे में डिराइव करा दिया एनर्जी को एनर्जी की टर्म्स में ताकि अब आगे के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और इस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली कैरी ओवर करेंगे रोटेटिंग मशीन में ठीक है तो अब आगे हम लोग रोटेटिंग मशीन पढ़ेंगे और उसमें भी हम लोग पहली मशीन जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी डीसी मशीन तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर थैंक यू